कहा जाता है कि भगवान बांके बिहारी जी को जो भी भक्त एक टक लगाकर देख लेता है वह उसके बनकर रह जाते हैं। इसलिए भगवान की प्रतिमा के सामने हर दो मिनट में पर्दा डाल दिया जाता है। वृंदावन में बांके बिहारी जी की लीलाओं को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। पता नहीं कब और क्या चमत्कार कर जाएं। जैसे कि वे खुद फूलों में रहते हैं, वैसे ही अपने भक्तों को भी फूलों की तरह रखते हैं। बांके बिहारी जी की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम ही है। वृंदावन से बाहर बांके बिहारी जी की महिमा देश और विदेश तक फैली हुई है। ऐसे ही एक फकीर साधु था जिन्होंने बांके बिहारी जी की खूब चर्चा सुनी थी कि वृंदावन में यह चमत्कार होता है और वृंदावन जाने वालों को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। इस चर्चा को सुनकर उस साधु फकीर ने वृंदावन बांके बिहारी जी का दर्शन करने की मन में सोची और ये सोचकर वो चल पड़ा नंगे पैरों से बांके बिहारी जी के दर्शन करने। लेकिन वो ये बात भूल गया था कि अगले दो दिनों में वृंदावन में होली का महोत्सव होने वाला है और उस मौके पर दूर दूर से विदेशों से भी भक्त वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं। आखिरकार वह फकीर साधु वृंदावन पहुंच गया। बिना जूतों के पैदल आने के कारण उसके पैरों में जख्म पड़ गए थे, पैर में सौजन आ गया था और वह बहुत थक गया था। अब और चल पाना उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन मन में बांके बिहारी जी के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति थी। जैसे ही वह फकीर साधु वृंदावन पहुंचा तो वहां पहले से ही भक्तों की इतनी भीड़ थी कि वह सोच में पड़ गया कि अब बांके बिहारी जी और राधा रानी का दर्शन वह कैसे करेगा। लेकिन कहते हैं कि बांके बिहारी जी से कोई बात छुप नहीं सकती, वे अपने भक्त की हर एक बात को जान लेते हैं। और इधर उस फकीर साधु से इतनी लंबी लाइन में खड़े हो पाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि उसके पैरों में घाव थे। वह एक पेड़ के नीचे जाकर अपनी राधा रानी को याद करते हुए रोने लगा। हे राधे सरकार, अब मैं क्या करूं? और शायद जिस आशा के साथ आया था कि आपके और बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरी आस टूट जाएगी। मुझे नहीं पता था कि होली का सुअवसर है और भक्तों की इतनी ज्यादा भीड़ होगी कि मुझ जैसे गरीब भक्तों को दर्शन के लिए भी नंबर नहीं आएगा। अब आप ही बताइए राधे रानी, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? आपकी चरण शरण के अतिरिक्त मेरा कोई ठिकाना नहीं है। दया करो महारानी। कहते हैं ना कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। ये प्रार्थना करते करते वह फकीर साधु वहीं उस पेड़ के नीचे सो गया। वह पूरी तरह से सो भी नहीं पाया था कि उसे एक अद्वितीय सपना आया। उसने देखा कि राधा रानी और बांके बिहारी जी होली खेल रहे हैं और राधा रानी को गुलाल लगा रहे हैं। तभी राधे ने पिचकारी से भरा हुआ रंग बांके बिहारी जी को मारा, जिससे बांके बिहारी जी पूरी तरह से भीग गए। तब राधे रानी और बांके बिहारी जी ने देखा कि वह फकीर साधु सब कुछ देख रहा है, तो बांके बिहारी जी ने उस फकीर का हाथ पकड़ा और उसको गुलाल से रंग दिया। ये देखकर अचानक से वो फकीर बाबा नींद से उठ गए और उनका वह सपना टूट गया। तब उनको अफसोस हुआ कि आखिर क्यों उनकी नींद टूट गई। तभी फकीर बाबा ने महसूस किया कि उनको किसी अनोखी इतर की खुशबू का एहसास हो रहा था, पर वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह खुशबू कहां से आ रही थी। वे और भी मायूस हो गए और वो बांके बिहारी जी से बोले, कान्हा, क्या अब मैं आपके बिना दर्शन के ही चला जाऊंगा? ये बोलकर जैसे ही फकीर बाबा ने अपने माथे को छुआ, उनकी उंगलियों पर गुलाल लग गया। फकीर बाबा ये देखकर हैरान हो गए कि गुलाल कहां से लगा। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी से अपने पूरे मुख पर हाथ फिराया तो उनके हाथ पूरे गुलाल से रंग गए। अब फकीर बाबा को समझने में देर नहीं लगी कि बात क्या है। वो समझ गए कि जो सपना उन्होंने थोड़ी देर पहले देखा वो कोई सपना नहीं था, बल्कि राधे रानी और बांके बिहारी जी साक्षात आए थे उनके साथ होली खेलने। तभी उसे पास ही इतर की इतनी शानदार खुशबू महसूस हो रही थी। ये सोचकर फकीर बाबा की आंखों से आंसू आ गए कि मुझ जैसे पापी के लिए भी बिहारी जी मंदिर छोड़कर होली खेलने आ गए, वो भी राधे को लेकर। वह समझ चुका था कि वृंदावन आने वाले हर एक भक्त पर बांके बिहारी जी की नजर रहती है, चाहे उसे मंदिर में दर्शन करने का मौका मिले या ना। वह भक्त बांके बिहारी जी की कृपा पा लेता है, तभी तो विदेशों से भी लोग आकर इस वृंदावन की धरती पर राधे राधे गाते हैं। ये सब बांके बिहारी जी की माया नहीं तो और क्या है। उसके बाद वो फकीर बाबा जैसे ही चलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों के घाव एकदम ठीक हो गए हैं।
और उसके पैरों में अब कोई भी दर्द नहीं हो रहा, बल्कि उसके पैर हल्के हो गए हैं। तो वह फकीर बाबा बहुत खुश हुए और वहीं नाच नाच कर राधे राधे गाने लगे। ये सब देखकर पास से गुजरने वाले लोग हैरान रह गए थे कि थोड़ी देर पहले तो ये बाबा रोए जा रहे थे, अचानक से ऐसा हो गया कि वो खुशी से नाचने लगे और राधे राधे गाने लगे। लेकिन ये तो प्रभु की माया थी जो हर किसी की समझ से बाहर थी। जो भी कोई वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाता है सच्चे मन से, तो उनके साथ जरूर कुछ न कुछ चमत्कार होता है, चाहे वो वृंदावन के लिए घर से जाने से पहले हो, या फिर वृंदावन में ही हो, या फिर वृंदावन से आने के बाद। चमत्कार तो जरूर होता है। अगर आप नहीं मानते तो एक बार वृंदावन बांके बिहारी जी के दर पर जाकर तो देखिए, आप भी राधे राधे न गाने लग जाएं तो कहना। बांके बिहारी मंदिर में 400 वर्ष पहले तक पर्दा नहीं डाला जाता था। श्रद्धालु जितनी देर चाहे उतनी देर तक बांके बिहारी जी दर्शन कर सकते थे। एक बार एक साधक बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर आया, तब वह अधिक देर तक बहुत प्रेम से मन लगाकर बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगा। उस दौरान भगवान साधक के प्रेम से खुश होकर उनके साथ ही चलने लगे। जब यह दृश्य पंडित जी ने देखा तो मंदिर में बांके बिहारी जी की मूर्ति नहीं थी, तो उन्होंने भगवान से वापस मंदिर में चलने के लिए विनती की। तभी से हर 2 मिनट के गैप पर बांके बिहारी जी के सामने पर्दा डालने की परंपरा शुरू हुई। वृंदावन की होली दुनिया भर में फेमस है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में लोग होली के जश्न को देखने, खेलने और स्थानीय लोगों के उत्साह को महसूस करने के लिए आते हैं। यहाँ हफ्ते भर पहले से ही होली का जश्न शुरू हो जाता है, जिसमें देश ही नहीं विदेशी सैलानी भी बड़ी संख्या में जुटते हैं, और इसी मंदिर के आसपास होली की सबसे ज्यादा रौनक भी दिखती है। होली के एक सप्ताह पहले से ही आसपास की गलियों और मंदिर परिसरों में होली की हुड़दंग शुरू हो जाती है। एक अन्य कथा है कि मंदिर के पुजारी हर शाम पूजा के बाद बांके बिहारी जी के बिस्तर के नीचे 4 लड्डू रख दिया करते थे, ताकि रात को भूख लग जाए तो बिहारी जी को भूखा न रहना पड़े। एक रात पुजारी जी लड्डू रखना भूल गए। देर रात जब बिहारी जी को भूख लगी तो उसी दुकान में पहुंच गए जहां से पुजारी जी लड्डू लाया करते थे। उस समय दुकानदार काम खत्म करके दुकान बंद कर ही रहा था कि बिहारी जी अपने मनोहारी रूप में दुकानदार से बोल पड़े कि भूख लगी है, 4 लड्डू देना। दुकानदार ने कहा कि अब तो लड्डू बचे नहीं है, कल आना। बिहारी जी ने कहा, अंदर जाकर देखो, 4 लड्डू बचे हैं। दुकानदार को सच में वे लड्डू मिल गए जो पुजारी जी ले जाना भूल गए थे। दुकानदार ने लड्डू देकर बिहारी जी से कहा कि पैसे दो। बिहारी जी ने कहा कि पैसे नहीं है, तुम मेरे कंगन रख लो। यह कहकर बिहारी जी कंगन दुकान में फेंक कर वहां से तुरंत भाग गए। अगली सुबह मंदिर का पट खुलने पर बिहारी जी के हाथों में एक कंगन नहीं होने पर बात आसपास फैल गई। दुकानदार ने जब यह जाना तो कंगन लेकर मंदिर पहुंच गया और सब बातें बता दी। कहते हैं कि इसके बाद तो दुकानदार भाव विह्वल हो गया और बिहारी जी की भक्ति में लीन हो गया। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा चमत्कार हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। एक बार सभी कह दो, जय श्री राधे।